यहां पर फिगर में देखें तो आपको एक बड़ा सा स्क्वायर दिख रहा है ए बी सी डी, और इस स्क्वायर का जो हर एक साइड है वो यहां पर 9 यूनिट है। और अगर आप इस स्क्वायर के अंदर देखें तो आपको यहां पर एक छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है जो कि है यहां पर बी ई पी एफ, जिसका हर एक साइड हम कह सकते हैं कि वो यहां पर 3 यूनिट है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको यहां पर एक रेड सर्कल दिख रहा है। ये जो रेड सर्कल है वो यहां पर ये जो बड़ा वाला स्क्वायर दिख रहा है वो इसके इस साइड पर जो है यहां पर टेंजेंट है, और साथ साथ ये इस स्क्वायर के जो है इस पॉइंट पे यहां पर टेंजेंट है ये सर्कल। और यही सर्कल अगर आप देखें तो ये जो छोटा वाला स्क्वायर है इसके इस वर्टेक्स पे जो है ये टेंजेंट है। तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर इस रेड सर्कल का यहां पर रेडियस पता करना है। तो देखिए हम इसका रेडियस कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले अभी आप ये जो छोटा वाला स्क्वायर दिख रहा है जिसका हर एक साइड हम कह रहे हैं कि 3 यूनिट है, इस पर ध्यान दें। तो अभी इसका हर एक साइड कितना है, 3 यूनिट है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर ये जो साइड होगा PF ये कितना होगा, ये भी यहां पर 3 यूनिट होगा। और अगर मैं यहां पर जो है B से P को ऐसे मिला देता हूं BP, तो ये कितना होगा। सो इसका ये डायगोनल होगा किसका, इस स्क्वायर का, और यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है हमें एक क्या मिलेगा, एक राइट ट्रायंगल मिलेगा। सो हम इस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके जो है हम इसका ये डायगोनल निकाल सकते हैं। तो यहां पर जो है अगर देखें तो हम कह सकते हैं ये जो राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है क्या, पी एफ पी। इसमें अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि जो बीपी है उसका स्क्वायर, बीपी जो है उसका स्क्वायर ये बराबर होगा बी एफ उसका स्क्वायर प्लस पी एफ उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना है, ये यहाँ पर 3 है, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9। सो ये क्या हो गया, 18 के बराबर, कौन, ये बी पी स्क्वायर। अगर अभी दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट ले लें तो हमें यहाँ पर ये मिल जाएगा। सो बी पी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर जो है 3√2 स्क्वायर यूनिट, यूनिट होगा सिर्फ इतना, 3√2 यूनिट के इक्वल मिलेगा हमें क्या, ये बीपी जो कि इस छोटे वाले स्क्वायर का डायगोनल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह है 3√2 यूनिट। अब आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ पर जो है अभी हम क्या करेंगे, यहां पर मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट दिख रहा है ये इस सर्कल का यहां पर क्या है, सेंटर है। तो चलिए इसको मान लेते हैं कि जो सर्कल का सेंटर है यहां पर ये है O। तो मैं यहां पर मान लेता हूं कि ये है क्या है, ये है O। अब यहां पर जो है ये यहां पर टेंजेंट है इस पॉइंट पे, तो मैंने मान लिया ये है H और इस पॉइंट पे टेंजेंट है, तो हमने मान लिया कि यहां पर जो है ये पॉइंट है यहां पर G। तो अगर मैं यहां से इसको ऐसे मिला देता हूं तो ये क्या होगा, ये इस सर्कल का रेडियस r होगा। सिमिलरली अगर मैं यहां से इसको ऐसे मिला देता हूं तो ये भी क्या होगा, ये भी r हो गया, ये भी यहां पर r होगा। और हमें पता है कि ये तो टेंजेंट लाइन है, किसी सर्कल का रेडियस उस सर्कल पर खींचा गया टेंजेंट जो होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तो यहां पर ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। उसी तरह से यहां पर भी ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये क्लियरली दिख रहा होगा कि यहां पर एक आपको स्क्वायर मिल गया है, ये स्क्वायर मिल गया है जिसका हम कह सकते हैं कि हर एक साइड जो है इस सर्कल के रेडियस आर के बराबर होगा। तो यहां पर जो है ये भी आर के इक्वल हो गया। तो अभी अगर मैं ओ से डी को मिला देता हूं, तो अगर मैं यहां पर इस ओ को डी से मिला देता हूं तो ये क्या होगा, ये इसमें जो है इस स्क्वायर का जो है इस स्क्वायर का ये डायगोनल होगा। तो यहां पर भी आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं यहां पर। सो आप यहां अप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि यहां हो जाएगा स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट में बनेगा टू आर स्क्वायर, तो बन जाएगा वो आर रूट टू। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आर स्क्वायर रूट में टू, कुछ इतना आ जाएगा। जैसे यहां पर देख लेना, थ्री और थ्री था, तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, थ्री रूट टू। वैसे यहां आर है, यहां आर है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, आर रूट टू। अब देखिए, अब यहां पर अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइंट कर देता हूं, इसको हमने अगर इससे मिला दिया, तो ये भी तो रेडियस आर के बराबर होगा, ये भी तो आर के ही बराबर होगा ना, तो ये आर हो गया। अब अगर यहां बी से लेकर के डी तक का टोटल लेंथ देखा जाए कि ये बी डी क्या होगा, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये जो बी डी होगा ये बराबर होगा बी पी, बी पी प्लस पी ओ प्लस ओ डी। तो फिर यहां से जो पी डी होगा ये बराबर हो जाएगा, बीपी कितना है, थ्री रूट टू, पीओ कितना है, आर, ओडी कितना है, आर रूट टू। तो यहां थ्री रूट टू और यहां देखे तो ये आर रूट टू है, तो यहां ये ऐड नहीं हो सकता है। तो अब यहां पर जो है हम इसको यहीं पे ऐसे छोड़ देते हैं, हम इसको आगे यूज कर लेंगे। देखिए आप, अभी आप इस बड़े वाले स्क्वायर को देखें, तो इस स्क्वायर में ये बी डी क्या है, ये इसका हम कह सकते हैं कि इस बड़े वाले स्क्वायर का ये डायगोनल है, जिसका कि हम कह सकते हैं ना कि यहां पर हर एक साइड कितना है, ये 9 यूनिट का है, सो ये भी 9 यूनिट का ही होगा, और यहां 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर यहां पर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, या फिर चूंकि डायगोनल है, बी डी क्या है, डायगोनल है, और स्क्वायर का हर एक साइड 9 है, तो हम कह सकते हैं कि जो डायगोनल होगा ये होगा यहां पर जो है 9 रूट टू। जैसे यहां पर आर आर था तो क्या बना डायगोनल, इसका आर रूट टू बना। यहां पर जैसे थ्री थ्री था तो क्या बना डायगोनल, थ्री रूट टू बना। वैसे यहां पर 9 9 है तो क्या बनेगा डायगोनल, 9 रूट टू। तो अगर यहां पर डायगोनल इसका, अगर यहां पर डायगोनल इसका जो बी डी है ये बराबर है 9 रूट टू के, 9 स्क्वायर रूट में 2, तो बी डी की जगह पर हम ये वैल्यू तो डाल सकते हैं ना, 3 रूट टू प्लस आर प्लस आर रूट टू इक्वल टू 9 रूट टू। तो सॉल्व कर ले इसे, तो यहां हो जाएगा आर प्लस आर रूट टू इक्वल टू 9 रूट टू माइनस यहां हो जाएगा 3 रूट टू। तो आर यहां से कॉमन कर ले, 1 प्लस रूट टू हो जाएगा इक्वल टू यहां हो जाएगा 6 रूट टू। आर इक्वल टू यहां हो जाएगा 6 रूट टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट टू। तो आप इसको और सॉल्व कर लें, रूट टू का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लें, रेशनलाइजेशन कर लें, और सब इस तरह से इसको सॉल्व कर लें, तो आप पाएंगे कि इसका जो रेडियस होगा इस रेड सर्कल का, ये लगभग यहां निकल के आता है 3.5147 यूनिट के इक्वल आता है, इतना यूनिट्स जो है रेडियस निकल के आता है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।